नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से पटना के बापू सभागार में पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप तस्वीर देख रहे हैं कि पूरे जो बापू सभागार के है जो भरा हुआ है, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पंचायत स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं वो इस कार्यक्रम में पूरे बैठे हुए हैं। पूरा खचाखच भरा हुआ है बापू सभागार। मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मंच पर पार्टी के जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, वो बैठे हुए हैं। मंच पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वो मंच पर बैठे हुए हैं और अन्य जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जो पूरा बापू सभागार है वो भरा हुआ है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, मिलन समारोह है, जिसमें जो कार्यकर्ता है वो पूरा भरा हुआ है। लोकसभा के चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में जो सभी राजनीतिक दल हैं वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली के भी आयोजन किया गया है। उससे पहले आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन की है। और तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं बापू सभागार के, जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बापू सभागार में बैठे हुए हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं कि पूरी बापू सभागार है जो भरा हुआ है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं से। मंच पर जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन हैं, वे सभी मंच पर मौजूद हैं और पूरा बापू सभागार भरा हुआ है। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के पूर्व जोश भरने का प्रयास कर रही है। कार्यकर्ताओं को यहाँ से टास्क भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से अपने पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में तैयारी किया जाए और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को NDA गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री बनाया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। जितने भी सीटें पार्टी के हिस्से में आएगी, हालांकि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी सीटें पार्टी के हिस्से में आएगी उन सीटों पर पार्टी को मजबूती से जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को टास्क भी यहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक जीतनराम मांझी कार्यकर्ताओं को देंगे। आप तस्वीर देख रहे हैं कि मंच पर जीतनराम मांझी आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि जीतनराम मांझी हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वो मंच पर आ रहे हैं। और जो पार्टी के जो अन्य जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि जीतनराम मांझी हैं जो मंच पर पहुँच रहे हैं और वो अब मंच पर विराजमान हो जाएंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जितने भी शीर्ष स्तर के नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व पार्टी के जो सभी विधायक हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रफुल्ल मांझी हो, ज्योति मांझी हो, जो टिकारी से विधायक हैं डॉक्टर अनिल कुमार, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक जीतनराम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से बापू सभागार पूरी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। मंच पर सभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के शीर्ष नेता मौजूद हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।